तो अभी भी गिरिडीह जिला सबसे अछूता है। जब हम झारखंड राज्य के 21 साल बना रहे हैं, राज्य में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके 2 साल बना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल, लेकिन अभी भी गिरिडीह के 350 से ज्यादा गांव और कस्बे सड़क से बंजर। झारखंड सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आज गिरिडीह स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद और बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान जिले भर में विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया और पपरवा ठाण में निर्मित समाहरणालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। मौके पर मंत्री हसन ने कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका आ गया है, बहुत जल्द यह लोगों के पास पहुंच जाएगा। इस दौरान बगोदर विधायक ने कहा कि गिरिडीह जिला में अभी तक 350 ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, प्रवासी मजदूर के लिए श्रम कानून नहीं है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। स्वदेशवाणी के लिए गिरिडीह से आशीष कुमार की रिपोर्ट। तो अभी भी गिरिडीह जिला सबसे अछूता है। जब हम झारखण्ड राज्य के 21 साल बना रहे हैं, राज्य में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके 2 साल बना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल, लेकिन अभी भी गिरिडीह के 350 से ज्यादा गांव और कस्बे सड़क से वंचित हैं। अब किसी जिला के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती और भी ज्यादा हो जाती है कि यह समस्या गिरिडीह जिले के साथ स्पेसिफिक रही है। पिछले इस राजनीतिक परिवर्तन से पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे कारण रहे, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन गिरिडीह जिला उन सड़कों और गांवों से वंचित रहा। माननीय मंत्री हैं, सरकार है, तो हम चाहेंगे कि आने वाले 3 सालों में ये गिरिडीह के जिले के लिए जो क्रिटिकल गैप हो गया है, ये विशेष गैप हो गया है, तो सरकार आने वाले समय में 350 गाँव को प्राथमिकता करके सड़क से जोड़े, तो लोगों के इस राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के लाभ जो है और बेहतर तरीके से पहुँचेंगे। गिरिडीह जिला प्रवासी मजदूरों के लिए, गिरिडीह जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों पर चलती है, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने एक प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन को लेकर के एक नीति तैयार की, लेकिन जिन मॉडल जिलों में, जिन 3 जिलों को रखा गया है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा उनकी परेशानियाँ हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, लेकिन गिरिडीह में उसमें शामिल नहीं है। पिछले दिनों मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आकर्षित किया था, माननीय मंत्री थे, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में गिरिडीह उस योजना में शामिल हो, ताकि गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों को, गिरिडीह के लोगों को वो लाभ मिले। अंतिम रूप से मैं कहूँगा कि सरकार को लाने में एक राजनीतिक परिवर्तन, जिसके 2 साल पहले इस राज्य के लोगों ने सपना दिया था, राज्य के छात्रों की, युवाओं की, अनुबंध कर्मियों की सबसे बड़ी भूमिका थी, विपरीत परिस्थितियां रही हैं, 2 साल अलग अलग दौर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार के 3 साल बाकी हैं, हम नए साल में शुरुआत करेंगे। तो ये जो इस राज्य के लोगों की आकांक्षा है कि युवाओं के लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, लोगों के अनुबंध कर्मियों के सवालों को लेकर के 2022 साल जो साल है वो इस दिशा में बढ़े, तो ये आने वाले समय की, आने वाले दौर की सफलता होगी। इसी शुभकामना के साथ टीकाकरण कराया है। आने वाले दिनों में हम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण कराएंगे। इसके अलावा आपकी अपनी सरकार ने पारा शिक्षक के मामले का तर्क संगत समाधान कर दिया है, जो बीते 20 वर्षों से लंबित था। राज्य के लगभग सभी विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में सभी खाली पदों को स्थानीय लोगों को नौकरी देकर भरा जाएगा। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज आपकी अपनी सरकार के मुखिया माननीय हेमंत बाबू के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में 173 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग में 1395 करोड़, जल संसाधन विभाग में 223 करोड़, क्योंकि कोरोना से ही मौत हुई है, किसी का दोस्त, किसी का भाई, परिवार के व्यक्ति
फैसला इस तरह के अनगिनत फैसले राज्य सरकार ने पिछले साल डेढ़ साल में लिए जो धीरे धीरे करकर, और मैं ये बात को मानता हूं, कुछ और फैसले ऐसे लिए गए हैं। एक इंडिविजुअल की सुरक्षा, अगर वो कहीं जा रहा है, ट्रेन पकड़ने जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, हमारी कोई बहन कोई बच्ची स्कूल कॉलेज जा रही है, उसको लड़के तंग नहीं करे, छेड़ नहीं, उसके लिए बेस्ट फैसला लिया गया है जिसको मौज मिटिंग के नाम पर कहा जा रहा है। वो किसी के खिलाफ ये फैसला नहीं है, किसी को तुष्टिकरण के लिए फैसला नहीं है। एक आपका अधिकार है, एक इंडिविजुअल अधिकार है कि आप अगर निहत्ते हैं, आप अगर गरीब हैं, आप अपने आप को रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो कानून आपकी रक्षा करेगा। और कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं होगा, इस बात का इस कानून ने फैसला लिया है। ये बहुत उम्दा फैसला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।